अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्राइम के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अध्याय के इस तीसरे भाग में हम बैंक स्टेटमेंट के ऐसे ट्रांजैक्शंस पर काम करेंगे जो बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि ऐसा क्यों है। BRS की ये जो वीडियो है वो चार पार्ट्स में है, और आप इन्हें ऑर्डर में देख सके इसके लिए हमने वीडियो और PDF की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, साथ ही कमेंट्स में भी पिन कर दी है। पिछली वीडियो में हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन पर दिखाई पड़ने वाली एंट्रीज को बैंक स्टेटमेंट से कैसे मैच करते हैं ये बताया था, और जो एंट्रीज मैच नहीं हो रही हैं उनके क्या कारण हो सकते हैं ये जानकारी भी दी थी। साथ ही जो एंट्रीज मैच हो गई थी, जैसा कि इस पिक्चर में हम आपको बता रहे हैं, उन्हें हमने सेव कर लिया था, जिससे कि ये सभी एंट्रीज रिकंसाइल होकर के यहां से चली गई थी, और अब जो एंट्रीज बाकी हैं वो हमारे सामने दिखाई पड़ रही हैं। चलिए अब बैंक स्टेटमेंट पर चलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी एंट्रीज मैच हो गई हैं, यानी जिनका मिलान हो गया है, उनके सामने हमने ये निशान लगा दिए हैं। अब देखते हैं कि इनमें ऐसी कौन सी एंट्रीज हैं जो मैच नहीं हुई है। तो इसमें सबसे पहले हम डेबिट एंट्रीज को देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें एक ये 13,000 रुपए की, एक 250 रुपए की, एक 1,000 रुपए की, और एक ये 300 रुपए की एंट्री है। इसी तरह हमें क्रेडिट में भी एक एंट्री 1,00,000 रुपए की दिखाई दे रही है, जिसके सामने निशान नहीं है। अब ये सभी वो एंट्रीज हैं जो यहां बैंक स्टेटमेंट में तो हैं, पर हमारी बुक्स के बैंक अकाउंट में नहीं है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि इसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहले हम इन डेबिट एंट्रीज के बारे में समझ लेते हैं। इसका पहला कारण है चेक डिसऑनर होना। जब हमें कोई चेक प्राप्त होता है तो हम उसे बैंक में जमा करके उसकी एंट्री अपनी बुक्स में कर लेते हैं, जिससे हमारी बुक्स में बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है, और इसी तरह बैंक भी अपने यहां उसकी एंट्री करके हमारा बैलेंस बढ़ा देता है। पर मान लीजिए कि वो चेक डिसऑनर हो जाता है, यानी कि बाउंस हो जाता है, तो इस कंडीशन में बैंक उस चेक के अमाउंट को हमारे खाते में वापस डेबिट कर देता है, साथ ही चेक रिटर्न होने की कुछ पेनल्टी भी हमारे खाते में लगा देता है। पर उस समय हमें इसका पता नहीं चल पाता है, जिसका प्रभाव ये होता है कि हमारी बुक्स में तो बैंक का बैलेंस ज्यादा रहता है, पर बैंक में हमारा बैलेंस कम हो जाता है। जब हम बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं तब हमें इस बारे में पता चलता है। ये देखिए, ठीक ऐसा ही हमारे साथ हुआ है। हमें अपने कस्टमर ई से जो चेक प्राप्त हुआ था वो बाउंस हो गया है, तो अब हमें भी इस चेक रिटर्न की एंट्री अपने यहां बुक्स में करनी होगी। तो चलिए पहले हम ये एंट्री कर लेते हैं। इसके लिए हम यहां दिखाई दे रहे क्रिएट वाउचर पर क्लिक करेंगे, या फिर इसके लिए शॉर्टकट की Alt और J प्रेस करेंगे। ये देखिए, पेमेंट वाउचर ओपन हो गया है। अब हम F7 प्रेस करके जर्नल वाउचर पर चलते हैं, और उसी डेट में ये एंट्री कर लेते हैं जिस डेट में बैंक ने ये एंट्री की है। अब इसे सेव कर लेते हैं। ये देखिए, वाउचर सेव करते ही हम वापस बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन पर आ गए हैं, और अभी हमने जो एंट्री की थी वो यहां पर दिखाई पड़ रही है। अब हम यहां पर बैंक डेट डाल देंगे और यहां स्टार का निशान लगा देंगे। अब हम समझ लेते हैं दूसरा कारण। दूसरा कारण है बैंक द्वारा डेबिट किए गए चार्जेस और इंटरेस्ट। बैंक ग्राहक को जो अनेक प्रकार की सेवाएं देता है उसके लिए वो कई तरह के बैंक चार्जेस वसूलता है। जैसे यदि हमारा कोई चेक रिटर्न हो गया है तो उसके चार्जेस, जब हम कोई चेक बुक
इश्यू करवाते हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ चार्ज देना होता है। बैंक अपने यहाँ हमारा जो अकाउंट मेंटेन करते हैं उसके लिए भी वे बुक कीपिंग चार्जेस लेते हैं। हम बैंक से जो RTGS, NEFT या IMPS करते हैं उस पर भी बैंक निश्चित दर से हमसे कुछ चार्जेस लेते हैं। इस तरह के कुछ अन्य चार्जेस भी हो सकते हैं। इन सभी की एंट्रीज हम बैंक चार्जेस या बैंक एक्सपेंसेस के नाम से लेजर बनाकर उसमें करते हैं। इसके अलावा कई बार हम बैंक से लोन लेते हैं या ओवरड्राफ्ट लेते हैं तो बैंक उस पर हमसे इंटरेस्ट लेता है, जिसकी एंट्री हम बैंक इंटरेस्ट पेड के नाम से लेजर बनाकर उसमें करते हैं। इस तरह से जो भी चार्जेस या इंटरेस्ट बैंक को हमसे लेना होता है, बैंक उन्हें तुरंत हमारे खाते में डेबिट कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप बैंक में हमारा बैलेंस कम हो जाता है, पर हमें इसकी सूचना समय पर नहीं मिलती। सूचना न मिलने के कारण हम अपने यहाँ बैंक खाते में इनकी एंट्री नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारी बुक्स में बैंक का बैलेंस पहले की तरह ही बना रहता है। इस तरह की एंट्रीज की जानकारी हमें तब मिलती है जब हम बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं। और जैसा कि आप यहाँ बैंक स्टेटमेंट में भी देख सकते हैं, बैंक ने चेक रिटर्न चार्जेस और चेकबुक चार्जेस हमारे खाते में डेबिट कर दिए हैं, पर चूंकि हमें इसके बारे में पता नहीं चला, इसलिए हमने ये दोनों एंट्रीज अपने यहाँ बैंक खाते में नहीं की है। अब हमें इन बैंक चार्जेस के बारे में पता पड़ गया है तो हम इनकी एंट्रीज अपने यहाँ कर लेते हैं। उसके लिए Alt और J कीज को प्रेस करेंगे। पर देखिए, वाउचर ओपन होने से पहले हमने अभी जो रिकंसिलिएशन किया है उसे सेव करने के लिए पूछा जा रहा है। हम यस के लिए एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, रिकंसिलिएशन सेव होते ही जो एंट्री अभी हमने मैच की थी वो यहां से चली गई है और जर्नल वाउचर भी ओपन हो गया है। आप ये एंट्रीज पेमेंट या जर्नल दोनों में से किसी भी वाउचर में कर सकते हैं। हम जर्नल वाउचर में एक एक करके इन एंट्रीज को कर लेते हैं। हमने ये एंट्री कर ली है। अब यहां पर बैंक डेट डाल देंगे और यहां स्टार लगा देंगे। इसी तरह अब हम दूसरी एंट्री भी कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अंतर आने का तीसरा कारण देख लेते हैं। कई बार हम बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आप हमारी EMI, LIC प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी बिल इत्यादि का पेमेंट प्रति माह या क्वार्टरली या जैसे भी हमारी जरूरत हो सीधे हमारे बैंक अकाउंट से कर दें। और बैंक भी ऐसा ही करता है, वो समय समय पर हमारे अकाउंट से इनका पेमेंट कर देता है। तो हम इस तरह के इंस्ट्रक्शन तो दे देते हैं पर बैंक द्वारा किए गए इन पेमेंट्स की एंट्री करना भूल जाते हैं, और फिर जब हम बैंक स्टेटमेंट देखते हैं तब जाकर हमें इनका ध्यान आता है। ठीक ऐसा ही यहां भी हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं कि बैंक ने हमारे LIC प्रीमियम का पेमेंट 14 अप्रैल को कर दिया था, पर हमें अब बैंक रिकंसिलिएशन करते समय इसका पता चला है। तो आइए अब इसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में कर लेते हैं। अब बात करते हैं क्रेडिट एंट्रीज के बारे में। ये क्रेडिट एंट्रीज बैंक स्टेटमेंट में तो हैं, पर हमारे यहाँ बैंक बुक्स में नहीं है। तो आइए इस तरह की क्रेडिट एंट्रीज के हमारी बुक्स में नहीं होने के कारणों को समझ लेते हैं।
पहला कारण है ग्राहक द्वारा सीधे हमारे बैंक खाते में भुगतान करना। आज के समय में सभी बैंक्स इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दे रहे हैं, साथ ही कई तरह के पेमेंट प्लेटफॉर्म्स भी हैं। इनके साथ ही यूपीआई पेमेंट सिस्टम भी है, जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति कहीं से भी किसी भी खाते में पैसे जमा कर सकता है। अब मान लीजिए इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से हमारे किसी ग्राहक ने कहीं से भी कैश, चेक, एनईएफटी इत्यादि में से किसी भी तरह से हमारे खाते में रुपए जमा कर दिए हैं और किसी कारण से वो हमें सूचित करना भूल गया है, तो ऐसी स्थिति में बैंक में तो इसकी एंट्री हो जाती है, पर जानकारी के अभाव में हम इसकी एंट्री अपनी बुक्स में नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बैंक में तो हमारा बैलेंस बढ़ जाता है पर हमारी बुक्स के बैंक खाते में जो बैलेंस है वो पहले की तरह ही बना रहता है। जैसे कि हम यहाँ बैंक स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि 12 तारीख को एनईएफटी के थ्रू किसी ने हमारे बैंक खाते में 1,00,000 रुपए जमा किए। अब इसकी एंट्री यहाँ बैंक स्टेटमेंट में तो है, पर इसकी सूचना हमें जिसने बैंक में रुपए जमा किए हैं उसने भी नहीं दी और ना ही बैंक ने दी। इसी वजह से हमारी बुक्स के बैंक खाते में इसकी एंट्री नहीं है। हम बैंक रिकंसिलिएशन करके अपना और बैंक का बैलेंस तो मैच करना चाहते हैं, पर हमें ये पता नहीं है कि ये अमाउंट हमारे खाते में किसने जमा किया है, तो इस अमाउंट की एंट्री हम बैंक सस्पेंस अकाउंट बनाकर कर लेंगे। दरअसल होता ये है कि इस तरह के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें हमने पैसा रिसीव किया है, पर यदि हमें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि वो पैसा कहाँ से आया है, किस पार्टी ने दिया है या किस व्यक्ति ने दिया है, तो उन सभी को हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। और चूंकि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो बैंक के थ्रू हुआ है, इसलिए हम इसे बैंक सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। तो देख लेते हैं कि इसकी एंट्री किस प्रकार हो। इसके लिए हम वापस टैली पर आ गए हैं। अब क्रिएट वाउचर के लिए ऑल्टर और जे कीज को प्रेस करेंगे। अब चूंकि हमें 1,00,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, तो इसकी एंट्री के लिए हम रिसीट वाउचर ओपन कर लेंगे। अब यहां पर सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे। अब हमें उस पार्टी को क्रेडिट करना है जिससे हमें यह रकम प्राप्त हुई है, पर हमें नहीं पता कि किस पार्टी से हमें यह पेमेंट मिला है, इसलिए अभी हम इस पेमेंट को बैंक सस्पेंस अकाउंट के नाम से जमा कर लेंगे। अब चूंकि ये अकाउंट बना हुआ नहीं है, इसलिए ऑल्टर और सी कीज को प्रेस करके पहले हम ये अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। नेम में हमने टाइप किया बैंक सस्पेंस अकाउंट। अब यहां पर हम सस्पेंस अकाउंट ग्रुप सिलेक्ट करेंगे और अब इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। क्रेडिट में हम 1,00,000 रुपए टाइप कर देंगे। डेबिट हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नरेशन टाइप कर देंगे। अभी हमने ये जो एंट्री बैंक सस्पेंस अकाउंट के नाम से की है वो बैंक स्टेटमेंट और हमारी बुक्स के बैंक खाते को मैच करने के लिए की है, पर जब बाद में हमें ये पता चल जाएगा कि ये रुपया किस पार्टी ने दिया है, तब हम इस वाउचर को एडिट करके बैंक सस्पेंस अकाउंट की जगह उस पार्टी का नाम डाल देंगे। अभी हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्रेडिट एंट्रीज में अंतर आने का दूसरा कारण है क्लियरिंग हेतु चेक या ड्राफ्ट बैंक में जमा करने के बाद अपने यहां बैंक खाते में डेबिट करना भूल जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें कोई चेक या ड्राफ्ट प्राप्त होता है तो हम उसे जल्दी जल्दी में क्लियरिंग के लिए बैंक में तो जमा कर देते हैं, पर उसकी एंट्री अपने यहां करना भूल जाते हैं, यानी अपनी बुक्स में बैंक खाते को डेबिट नहीं करते। इसके विपरीत बैंक में ये चेक क्लियर हो जाता है और बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है, जबकि हमारी बुक्स में बैंक खाते का जो बैलेंस है वो पहले की ही तरह बना रहता है। तीसरा कारण है बैंक द्वारा दिया गया ब्याज। कई बार हम अपनी कंपनी के अकाउंट्स के बजाय टैली में अपने पर्सनल अकाउंट्स भी मेंटेन करते हैं। उसमें हमारे बैंक में सेविंग अकाउंट भी होते हैं जिन पर हमें ब्याज मिलता है।
पर जानकारी के अभाव में हम उस ब्याज की एंट्री अपने यहाँ बैंक खाते में नहीं कर पाते। इसके कारण हमारी बुक्स में बैंक खाते का बैलेंस तो पहले की तरह बना रहता है, पर बैंक पासबुक का जो बैलेंस है वो बढ़ जाता है। और फिर जब हम बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं तो हमें इस तरह के ब्याज की जानकारी मिलती है, जिसकी एंट्री हम बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड खाता बनाकर कर लेते हैं। हमने ये जो बैंक रिकंसिलिएशन बनाया है, अब उसे कंट्रोल और ए कीज को प्रेस करके सेव कर लेते हैं। वापस हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुन लेंगे। ये देखिए, जो जो एंट्रीज मैच हो गई थी वो यहाँ से चली गई हैं और अब यहाँ पर सिर्फ वो ही एंट्रीज नजर आ रही हैं जो पेंडिंग हैं, यानी जो बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। ये देखिए, अब हमारे बैंक स्टेटमेंट में कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं है जो मैच ना हुआ हो। आइए अब हम इस बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन में दिखाई पड़ रहे बैलेंस एज पर बैंक से मिला लेते हैं। ये देखिए, दोनों ही जगह पर अमाउंट एक समान आ रहा है और यही हम चाहते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन्हें भी समझ लेते हैं। बैंक में हमारा बैलेंस 155,750 रुपए है, जो कि अभी हमने स्टेटमेंट से भी कंफर्म कर लिया है। अब हमने सप्लायर सी को जो 20,000 रुपए का चेक दिया है वो एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा, तब इस चेक का अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट से कम हो जाएगा। तो समझने के लिए इसको अभी हम इसमें से कम कर देते हैं। और इसी तरह कस्टमर ई का 12,000 रुपए का जो चेक हमने बैंक में क्लियरिंग हेतु लगाया है, उसका अमाउंट भी एक दो दिन में हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो समझने के लिए उसको हम अभी इसमें जोड़ देते हैं। जैसे ही अगले महीने ये दोनों एंट्रीज बैंक में होंगी, हमारी बुक्स का बैलेंस यानी बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मैच हो जाएगा। मतलब अब हमारा बैंक रिकंसिलिएशन पूरा हो गया है। चलिए अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए, यहां पर बैंक के नाम के साथ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखा है। इस स्टेटमेंट को ही हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी BRS कहते हैं। हम एस्केप की प्रेस करके वापस प्रिंट स्क्रीन पर आ गए हैं। अब यदि हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो उसके लिए सी प्रेस करेंगे। यहां पर आप जिन ऑप्शंस को यस या नो करना चाहें वो कर सकते हैं। हम प्रिंट प्रीव्यू में रिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शंस भी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए इंक्लूड रिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शंस ऑप्शन पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, ऑप्शन यस हो गया है, इसे सेव कर लेंगे। अब फिर से प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए, हमने जो एंट्रीज रिकंसाइल कर ली थी वो भी अब यहां पर दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह से अभी हमने अपने SBI के करंट अकाउंट का रिकंसिलिएशन किया है। अगर आपके दूसरे बैंकों में भी अकाउंट्स हैं तो उनका भी रिकंसिलिएशन आप इसी तरह से कर सकते हैं। अब आखिर में एक खास बात का ध्यान रखें, अब जब भी आप अगली बार बैंक रिकंसिलिएशन करने जाएं तो एक नियम बना लें कि रिकंसिलिएशन करने से पहले बैंक सस्पेंस अकाउंट खोलकर देखें कि बैंक से संबंधित कोई एंट्री सस्पेंस अकाउंट में तो नहीं पड़ी हुई है, और यदि उसमें कोई एंट्री है तो पता करें कि वो किसकी है और फिर उसे एडिट करके सही नाम से सेव करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको ऐसी एंट्रीज के बारे में बताया जो हमारे बैंक स्टेटमेंट में तो होती है पर हमारी बुक्स में नहीं होती। साथ ही हमने उन एंट्रीज का समाधान करना भी बताया। इसके बाद वाली वीडियो में हम BRS से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।